इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ए और एन के बारे में कि यूज कहाँ पर होता है ए और एन का यूज। उसमें मैं बेसिक बताया हूँ कि एक्चुअल में ए और एन का यूज कैसे होता है और क्यों होता है। ये वीडियो उसका वीडियो का पार्ट टू है, इसमें मैं थोड़ा आगे बताने वाला हूँ ए और एन का यूज। उसमें वीडियो लंबा होने की वजह से मैं उसे छोड़ दिया था, तो आगे मैं बता रहा हूँ सेंटेंस में ए और एन का यूज कैसे करते हैं। उसमें मैं ए और एन का यूज करना बताया था। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कभी भी आप ए और एन का यूज में गलती ना करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए और एन का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ए और एन का यूज कैसे होता है, क्यों होता है, तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए और एन का यूज सेंटेंस में कैसे होता है। ए और एन का यूज सेंटेंस में, ए और एन का यूज क्या किस में करेंगे, सेंटेंस में। कोई सेंटेंस दिया हुआ रहता है तो उसमें ए और एन का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बात हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में तो हमारा नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो कब कैसे यूज करना है। अगर हमारा कोई वर्ड दे दिया गया है, कोई सेंटेंस दिया गया, नाउन भी है, एडवर्ब भी, एडजेक्टिव है, तो ए कब लगाएंगे, नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब पहले, यहाँ भी कन्फ्यूजन दूर होता है। तो सबसे पहले पहली बात याद रखिए, नोट वन करके यहाँ पे याद रखिए पहली बात कि जब कोई सेंटेंस में थोड़ा मैं धीरे लिखता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और राइटिंग में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर स्पीड में लिखते हो तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और राइटिंग में मेरा बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप अच्छे समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझना जरूरी है। तो जब कोई सेंटेंस में, तो बिल्कुल भी पेशेंस रखिए, जब कोई सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो तो ए और एन का यूज कैसे करेंगे। तो ए और एन का यूज एडजेक्टिव से पहले करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे देखेंगे, जब कोई सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो, अभी एग्जांपल में बताते हैं, तो ए और एन का यूज एडजेक्टिव से पहले करेंगे, पहली बार याद रखेंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल दिया गया है, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर आप एडजेक्टिव के बारे में नहीं जानते, नाउन के बारे में जानते हैं, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखें, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ए टाइप्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सारे होते हैं। उसका भी मैं एक वीडियो बनाया, तो उसको आप देख लीजिए, उसमें सारा कुछ और अच्छे से मैं समझाया हूँ। जो स्कूल में बताया जाता है, किताबों में जो रहता है, उसे मैं थोड़ा हट के ही बताता हूँ और समझने लायक बताता हूँ, ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए, बड़ों को भी समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडजेक्टिव अगर नहीं समझ में आता देख लीजिए, उसके बाद अच्छे समझिए। राम इज ए गुड बॉय, ये एक हमारा सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए कि नाउन जो होता है, नेम ऑफ द एनीथिंग, किसी भी नाम को बोलते हैं नाउन। तो यहाँ पे ये बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन जो नाउन के बारे में बताए, उसका विशेषता बताए कि वो क्या है, कैसे है, तो उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी नाउन का विशेषता बताए, उसका विशेषता बताए, उसी को नाउन एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है,
कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से पहले ही तो ए लगाना था, ए या एन का, ए का यूज है कि नहीं, एडजेक्टिव से पहले ही ए का यूज है, यहाँ पे आराम से देख सकते हैं ए का यूज है एडजेक्टिव से पहले। और ये मैं बताया था कि ए का भी यूज होता है अगर हिंदी में आ उ ए ओ हो तो एन का यूज करते हैं, बाकी दूसरा शब्द हो से उच्चारण हो तो ये तो आ, इसमें तो गुड है ना, तो गुड से स्टार्ट हो रहा है, आ उ आ उ ए ई ओ, इससे तो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए ए लगाया। एक और एग्जांपल देते हैं जो है उसमें एन का यूज होता है, तो ऐसे लिखते हैं ही इज एन इंटेलिजेंट, ये एग्जांपल सेकंड है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ बॉय क्या है, नाउन है, लेकिन वह कैसा लड़का है, वह एक तेज लड़का है, तो यहाँ पे ए का मतलब और एन का मतलब एक ही होता है लेकिन अलग अलग जगह यूज होता है। देखिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ई से स्टार्ट है ना, तो ये देखिए है ना एन लगा इसीलिए, तो यहाँ पे भी देखिए एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज हो गया, क्योंकि बात हमेशा ध्यान रखना है, पहली बात था तो दूसरी बात अभी बताना बाकी है कि जब तो सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव मिल गया तो एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, लेकिन एडवर्ब भी आ गया तो क्या करेंगे, उसको भी बताने वाले हैं कि यहाँ से देख रहा है, बिल्कुल भी वीडियो स्कूल में कीजिए नहीं तो फिर भी दिक्कत हो जाएगा बाद में सीखने के लिए। तो जब को सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव आओ और एडवर्ब आ जाए, और एडवर्ब बताता हूँ, एडवर्ब तो ए और एन का यूज एडवर्ब से पहले करते हैं, एडवर्ब से पहले करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव था तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता था ना, इसलिए एडजेक्टिव में करते थे, लेकिन जब कोई सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों हो तो एडवर्ब सबसे पहले आता है उस वर्ड में, उस सेंटेंस में, इसलिए एडवर्ब में ए का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, ही इज ए वेरी गुड बॉय, वही एग्जांपल लिए ना, इसमें क्या लगा दिया वेरी, तो ये तो नॉन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन एडवर्ब क्या करता है, जो जो काम हो रहा है ना उसके बारे में कुछ ऐसा बताएगा, यानी कि जो एडजेक्टिव था एडवर्ब का मतलब ये होता है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, एडवर्ब का मतलब होता है कि जो भर के बारे में बताएं, एडजेक्टिव के बारे में भी बताएं और एडवर्ब के बारे में बताएं, तीनों के बारे में, एडवर्ब अपने बारे में भी बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में भी और एडवर्ब के बारे में भी बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये तो इसके बारे में, इसी को एडजेक्टिव को ही ना डिफाइन कर दिया, एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं कैसा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, ये जो वेरी गुड हुआ एक बहुत अच्छा लड़का है, तो एडवर्ब से पहले ए का यूज हुआ कि नहीं हुआ, एडवर्ब से पहले ए का यूज हो गया, तो अगर तीनों हो तो एडवर्ब से पहले, क्योंकि एडवर्ब पहले आ रहा है ना यहाँ पे, अगर ऐसा दिख जाए तो कोई भी बच्चा लगा सकता है, यहाँ पे देखेंगे कि तीन वर्ड है यहाँ पे, तो पहले जो वर्ड आया उससे पहले लगाया। दूसरा एग्जाम्पल क्या बताए थे, यहाँ पे लिख सकते हैं राम इज एन वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे भी तो वेरी क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे ए का ही यूज होगा, क्योंकि वेरी है ना, वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो वह से स्टार्ट हो रहा है, वे से स्टार्ट हो रहा है, इसे पहले ए लगाएंगे, राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इंटेलिजेंट लगा हुआ है, इंटेलिजेंट है तो ए लगा दे, नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले हमको देखना है, तो एडवर्ब कैसा है हमारा, एडवर्ब हमारा कैसा है, वे से स्टार्ट है, वेरी बोलते हैं इसको, तो ए यूज करेंगे, अगर यहीं पर हमारा कुछ भी रहता
यानी कि बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे वर्ड हैं जो इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे स्वीटली हो गया, वेरी हो गया, बैडली हो गया, ये सारे वर्ड जो हैं वो क्या है, एडवर्ब है। अगर यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से रहता जो आ उ ए ओ ऐसे ही स्टार्ट होने वाले शब्द रहते हैं, उच्चारण होने वाले, तो उसे पहले एन लगाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एडजेक्टिव एडवर्ब ये सारे रहेगा तो सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो इसके बाद में आपको भर्ब के बारे में बताने वाला हूँ, भर्ब वन, भर्ब टू, भर्ब थ्री के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें बताने वाला हूँ कि वी वन से ही बिना याद किए वी टू और वी थ्री कैसे बनाया जाता है। अगर लास्ट वर्ड अगर डब्ल्यू से हो तो वी टू और वी थ्री में ई डी जोड़ देते हैं डायरेक्ट, वी टू और वी थ्री में ई नहीं जोड़ते हैं। उसमें एक तरीका है बनाने का, तो अभी बताऊंगा, वीडियो को देखिएगा, मैं बना दूंगा उसको। एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल ही गया कि ए और एन का यूज एक और जगह पे नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, अनकाउंटेबल अपुलर लॉन पे ए और एन का यूज नहीं होता, लेकिन एक और ऐसी जगह है जहाँ पे ए और एन का यूज नहीं होता है, एक ऐसा प्लुरल, प्लुरल जो है और अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल में ए और एन का यूज नहीं होता, लेकिन और प्रॉपर नाउन में भी ए और एन का यूज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नाउन ये तीन जगह पे ए और एन का यूज नहीं होता है, ए और एन का यूज नहीं होता है, ये प्रॉपर नाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको बताया जाता है प्लुरल और अनकाउंटेबल में यूज नहीं होता, लेकिन इसके अलावा भी है जो हमेशा जल्दी नहीं बताया जाता, प्रॉपर नाउन में भी ए और एन का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन आखिर एक्चुअली में होता क्या है, प्रॉपर नाउन क्यों छूट गया, प्रॉपर नाउन होता क्या, थोड़ा सा जान लीजिए। प्रॉपर नाउन जिसमें किसी खास जाति स्थान का बोध है, जिसमें किसी खास स्थान जाति, खास स्थान जाति इत्यादि का बोध हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, या कोई वस्तु का बोध हो जिसमें किसी खास स्थान जाति या वस्तु का जिक्र किया हो, यानी बोध होता हो, जिक्र हो, तो उसमें क्या करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो किसी खास स्थान जाति वस्तु का जिक्र हो तो ए और एन का यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए राम दिया हुआ, राम दिया हुआ, दिल्ली दिया हुआ, तो राम हो गया, दिल्ली हो गया, या कोई महीना दिया हुआ है, ये क्या है, राम कोई खास व्यक्ति का नाम है ना, तो खास व्यक्ति का नाम है तो इससे पहले एक यूज नहीं करते। दिल्ली कोई खास जगह का नाम है, जून कोई खास महीना का नाम है, जिसे हम लोग कभी भी यूज करते हैं, लिखते राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें कहीं भी ए राम तो नहीं लिखा हुआ, या फिर ही इज ए राम, ही इज ए राम ऐसे तो कभी भी नहीं लगते, ही इज राम लिख सकते हैं, लेकिन ए राम कभी भी नहीं लगाते। उसी तरह ए दिल्ली नहीं लगाते, कभी भी ए दिल्ली नहीं लिखते, ए दिल्ली, एन दिल्ली कभी नहीं लिखते, ए जून, एन जून नहीं लिखते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ऐसा कोई भी वर्ड रहे सिर्फ खास स्थान जाति का बोध हो या जिक्र हो तो उसमें ए और एन का यूज नहीं करते हैं।